तो कुछ ऐसे यूजर है, उनके प्रश्न काफी चल रहे हैं कि मुझे अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर जनरेट पेज थीम यूज करना है और उसके अंदर पेज बिल्डर बनाना है एलिमेंटर प्लगइन के द्वारा। तो हम पेज बिल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं जनरेट पेज थीम के अंदर? हमने अपनी साइट के अंदर अगर जनरेट पेज थीम यूज की है तो उस जनरेट पेज थीम में हम एलिमेंटर कैसे यूज करें, कैसे पेज का डिजाइन तैयार करें? तो हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जनरेट पेज थीम प्लस एलिमेंटर प्लगइन। हम जनरेट पेज थीम के अंदर एलिमेंटर प्लगइन यूज करेंगे, हम दोनों का यूज करके एक ब्लॉग बनाएंगे, है ना। जिस तरह दोस्तों हम यहाँ पर अपना ब्लॉग बताते हैं तो बहुत से ऐसे यूजर हैं जो पूछते हैं कि आपने ये किस तरह जनरेट किया, तो हमने यहाँ पर थीम उपयोग की है और पेज बिल्डर एलिमेंटर प्लगइन यूज किया है फ्री वर्जन वाला, ठीक है। तो एलिमेंटर के अंदर आपको फ्री वर्जन में कुछ ऐसे फंक्शन फीचर मिल जाते हैं जिनके द्वारा ये डिज़ाइन किया जा सकता है। कुछ टेम्पलेट होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप एलिमेंटर के द्वारा किसी भी तरह का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में, है ना। तो हम यहाँ पर प्लगइन बताएंगे एलिमेंटर का जनरेट पेज थीम के अंदर, जिससे आप वेबसाइट या ब्लॉग दोनों बना सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी फंक्शन की नॉलेज होगी आप उतना ही परफेक्ट ब्लॉग या वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीरीज लेकर आए हैं यहाँ पर जनरेट पेज थीम प्लस एलिमेंटर प्लगइन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पहले पार्ट में ये बताएं कैसे आप जनरेट पेज थीम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर और एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फ्री वर्जन का ही उपयोग करेंगे, हम प्रीमियम वर्जन का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एलिमेंटर प्लगइन यूज करेंगे उसका भी फ्री वर्जन होगा और जनरेट पेज थीम यूज करेंगे वो भी फ्री होगी, ओके। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर प्लगइन एंड यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे एलिमेंटर। देखिए ये प्लगइन है ना, इसकी रेटिंग भी काफ़ी है और ये प्लगइन 5+ मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है अपनी साइट के अंदर, ओके। तो अच्छा है, ट्रस्टेड है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, अच्छा पेज बिल्डर होता है इसके अंदर, फ्री फंक्शन काफ़ी अच्छे दिए हैं जिनके द्वारा अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता है किसी भी लेआउट को, किसी भी साइट को। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। अब हम बात करते हैं थीम इंस्टॉल की, ओके। तो अब आपको जनरेट पेज थीम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पर हम अपेरेंस में जाएंगे एंड थीम ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे जनरेट पेज थीम। तो देखिए ये जनरेट पेज थीम आ चुकी है ना, तो हमने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है, आप इंस्टॉल कर लीजिए ना, एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल किया एंड यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पर ये किया हमने एलिमेंटर, है ना। तो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में एलिमेंट की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन यूज़ करना है। तो अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे, हम पेज क्रिएट करना आपको बताएंगे। तो आपको पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो पेजेस इस तरह आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी पेज बनाना है वो आप यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ड्राफ्ट में पहले पेज को ले लेता हूँ 37 को, ठीक है। एडिट पर क्लिक करते हैं और दोस्तों अगर ये नहीं आए तो आप अकाउंट बना लीजिए एलिमेंटर के अंदर, ओके। एंड यहाँ पर हम टाइप कर देंगे होम, ओके। इसे हम स्टैटिक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर व्यू पेज पे जाएंगे, देखिए ये पेजेस इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंटर पेज बना लिया एंड यहाँ पर हम डोमेन नेम डालेंगे तो यहाँ पर आएगी पोस्ट है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट पोस्ट आ रही है तो ये रिमूव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होम पेज पर कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने एलिमेंटर में भी कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया, कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है। तो जो होम पेज पर डोमेन नेम पर ये पोस्ट आ रही है रिमूव होके होम आना चाहिए ना, तो वो कैसे सेटअप होगा उसके लिए दोस्तों आपको वर्डप्रेस में आ जाना है फिर से डैशबोर्ड के अंदर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग एंड यहाँ पर रीडिंग ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है योर होम पेज डिस्प्ले, है ना। तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट है ना, तो आपको यहाँ पर स्टैटिक बनाना होगा तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर होम पेज आपको सिलेक्ट करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे होम पेज और यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोस्ट आ रही है तो वो नहीं आ गई, अब हम रिफ्रेश करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये होम आने लगा है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेटअप करना है अपना स्टैटिक होम पेज एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। आगे के वीडियो में हम आपको डिज़ाइनिंग बताएंगे, ठीक है, कुछ फीचर पोस्ट वगैरह ऐड करना बताएंगे, स्लाइड बताएंगे, एक एक फंक्शन, एक एक लिंक बताएंगे, कलर कस्टमाइज बताएंगे, पूरा हम एलिमेंटर पेज बिल्डर क्रिएट करेंगे जनरेट पेज थीम के अंदर, है ना। तो अभी हमने सीखा केवल थीम को इंस्टॉल करना, प्लगइन को इंस्टॉल करना, सेटअप करना और पेज बनाना, और स्टैटिक पेज कैसे बनाते हैं लेटेस्ट पोस्ट रिमूव करके डोमेन नेम पर, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।